चाहता हूँ कि इमरान खान के खिलाफ जो नॉन फंक्शनल रेजोल्यूशन लेके आए और कॉन्स्टिट्यूंसी थ्यूरी के बारे में बात करें कि इमरान खान जो लेटर दिखा रहे हैं वो झूठा है, वो फेक है, वो जो ये ब्लेम कर रहा है अपोजिशन पे, ये इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट लाइक है, यूएस इन्वॉल्व है, यूएस डिपार्टमेंट इन्वॉल्व है, मगर मैं एक आईआर स्टूडेंट में बात करना चाह रहा हूँ कि मेरी आईआर में इंटरनेशनल रिलेशन में डिग्री है, कि मैं इस चीज़ को अपनी थ्यूरीज आईआर की थ्यूरीज अप्लाई करते हुए मैंने अपना एक्सपीरियंस अप्लाई करते हुए मैंने अपनी जो मेरे पास जो भी इंफॉर्मेशन नॉलेज थी आईआर की मैंने अप्लाई करके देखा, मुख्तलिफ सोर्सेज से नॉलेज हासिल करके मैंने देखा कि इमरान खान के खिलाफ जो कॉन्स्टिट्यूंसी थ्यूरी थी वो सच्ची है, इमरान खान के खिलाफ जो यूएस का रोल था वो सच्चा है, इमरान खान के खिलाफ जो ये रिमूव करना चाहते थे वो सच्चा है। मैं एक दो तीन हालात इवेंट्स में शेयर करना चाहता हूँ कि दो तीन मंथ में आप देखेंगे कि यूएस का क्या MP3 का क्या काम था कि MLA से मिले, उनकी अपोजिशन पार्टी से मिले, यूरोप की ये कभी पॉलिसी नहीं रही, जिस बंदे पे भी केसेस होते हैं वो उनसे नहीं मिलते, ये डिप्लोमेट्स नाम के खिलाफ है, ये लेटर आया है यूएस की जो रिप्रेजेंट होते हैं जो स्पोक्स पर्सन है जो असद पाकिस्तान के एम्बेसडर थे यूएस में उनसे मिले, उन्होंने जो फीडबैक पाकिस्तान को सेंड किया है वो सरासर झूठा नहीं है, वो राइट है, वो जो खत है वो ट्रू है, इसमें कोई फॉल्स वाली चीज़ नहीं है, ये जो इमरान खान क्लेम कर रहा है वो सच्चा है, झूठा नहीं है। तो आज मैंने जो जोश लोगों में देखा है बहुत मुझे भी मोटिवेशन आई है, मुझे भी जज्बा आया है, इतने शार्ट नोटिस में इमरान खान इतने लोग हजारों लोग आ गए, इतना जोश और जज्बा लोगों में आ गया है, तो इमरान खान की ये बड़ी अपोजिशन के मेरे पास इतने हमारे पास इतने चीज़ें नहीं थी कि हम 2023 के लिए 23 के इलेक्शन के लिए हम लोगों को दिखाएं, मगर इमरान खान को जो इन्होंने जो अपोजिशन ने जिस तरीके से हटाया है लोगों में नया जज्बा आ गया। थैंक यू सो मच अल्लाह।